हरिन पाठक धन्यवाद अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय संविधान की धारा 112 एंड 110 के अनुसार अंतर्गत जिसे मेरे नेता प्रतिपक्ष के उन्होंने कहा कि हमारा उत्तरदायित्व है ये प्रतिपक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ हमारा सहयोग भी है। प्रतिपक्ष चाहे तो फाइनेंस बिल पर मतदान करा करके सरकार को गिरा सकता है, पर वो हमारे प्रतिपक्ष की नेता की इतनी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसको निभाना चाहते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय प्लीज प्लीज वित्त विधेयक की कुछ बातों पर आने से पहले मैंने मन में कुछ और सोचा था। प्लीज बी साइलेंट। मगर जब परमादरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने वित्त विधेयक को सदन के सामने रखने से पहले जो आंकड़े और आंकड़े के बाद जो सारी बातें हमारे सामने रखी, मुझे उसमें से पहले एक शब्द पर से ही अपना प्रवचन अपना वक्तव्य अपना छोटा सा थोड़ा सा अर्थशास्त्र पर कहीं प्राप्त किया हुआ ज्ञान और मेरी कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि टैक्स रिफॉर्म इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है और हमारी सारी समस्याओं का निराकरण टैक्स रिफॉर्म पर ही है। अब मैं उसी टैक्स रिफॉर्म पर ही अपनी बात करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि कृपया शांत रहें। मैं समझता हूँ कि उपाध्यक्ष महोदय और वित्त मंत्री जी और हम सब जानते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हम सबकी प्राथमिकता है किस देश का आम आदमी वो खुशहाल हो। 62 साल की आज़ादी के बाद प्रजातंत्र के बाद आपने जो गिनाए वो स्रोतों के बाद नेचुरल रिसोर्सेज के बाद जो देश की स्थिति है उस पर आने से पहले मैं आपके ही बजट के जिसमें आपने स्पष्ट बात कही है आखिरी बजट जो स्पीच आपने रखी आपने कही संसद में तब आपने भी अपनी मंशा बताई जो हमारे सबके मन में है। पेज 29 के पैरा 188 में आपने पूरा बजट का हार्द हमारे सामने रखा। आपने क्या कहा वित्त मंत्री जी, जिसको लेकर आप चुनाव में वोट लेकर बार बार जीतते आते हैं और अभी मैं कोट करना चाहूंगा वित्त मंत्री जी के 2010-11 के बजट का पैरा 188। द बजट बिलोंग्स टू आम आदमी, ये बजट आम आदमी के लिए है। इट बिलोंग्स टू द फार्मर्स द एग्रीकल्चरिस्ट द एंटरप्रेन्योर्स एंड द इन्वेस्टर्स। अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट, लंबा पैराग्राफ है, कुछ 2-3 दिनों से मुझे गले में तकलीफ है। मैं कहता हूं कि आपने कहा और हम सब मानते हैं कि हमारा जो मेन थ्रस्ट है वो आम आदमी। अब आम बस इतनी तकलीफ होगी कंक्लूड करूंगा। प्लीज प्लीज इतनी तकलीफ अभी दो वाक्य में अपना बात करो। नहीं नहीं लाल सिंह इतना तकलीफ हो गई अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने, इतने की चिंता मत करो। आम आदमी की क्या स्थिति है वो शायद सरकार को मालूम नहीं है। कल हमने कोशिश की आम आदमी से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर और जो जिसके साथ किसान जुड़ा है
जिसके साथ इस देश की 90% से भी ज्यादा जनता जुड़ी है, उस बात को लेकर कल हम संसद में आम आदमी की बात करने आए थे कटौती प्रस्ताव लेकर ईश्वर जी, और न जाने क्यों लालू जी, आपका नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, मगर सरकार के प्रभाव में, सीबीआई के दबाव में और कुछ हमारे साथी पक्षों की गरीबों के प्रति निष्ठा के अभाव में कल ये सरकार बच गई, वरना आम आदमी की बात देश के कोने कोने तक जाती। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो भाव बढ़ा है उस पर हम एक हो जाते कल तो किसान भी खुशहाल होता, आम आदमी भी खुशहाल होता। प्लीज कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं, मुलायम सिंह जी कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। पर उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन का और विशेष करके हम सबके जो कृपया आप बात करते बुरा नहीं दिया। जो वोट करेगा उसका विकेट गिर जाएगा। मालू जी महंगाई जैसे आपको एक सरकार क्या हजारों सरकार में उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की भावना को व्यक्त करते हुए मैं लालू जी मैं वही बोल रहा हूँ, पता नहीं कल रात से आप तकलीफ में हो, अब आपका नाम का उल्लेख नहीं दूंगा, आप मेरे परम मित्र हैं, वरिष्ठ। मैं सदन के सामने एक ही बात रखना चाहता हूं कि आपने टैक्स रिफॉर्म की बात कही, बजट में उसकी चर्चा हुई, मैं कोई अर्थशास्त्री का विद्यार्थी नहीं हूं, मगर मैं कहूंगा तो दोबारा अर्थ निकलेगा, आम जनता से जुड़ा हुआ लगातार 7 बार चुनाव जीत कर संसद में आने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। आपने जो टैक्स का स्ट्रक्चर बनाया, मेरे पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और कुछ मुझे भी संस्कृत पढ़ने का मौका मिला, मैंने कहा कि मैं सारी पुस्तकें लेकर आता, चाणक्य के एक एक नीति सूत्र का, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, विष्णुगुप्त के धर्मशास्त्र का, उसका पूरा तीन शास्त्रों का उल्लेख कर सकता था, अगर उसमें फिर मुझे बाकी मुद्दे मेरे रह जाते। ये जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर आपने बनाया है, कृपया करके उस पिलर को, ये जो बनाया है वो आम आदमी के लिए नहीं है, वो पैसे वालों के लिए है, उस पिलर को उल्टा कर दो तभी तो फायदा होगा। अभी स्थिति क्या है, जो 8 लाख से ऊपर कमाएगा यानी जिसकी इनकम, हेलो जी अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हम सबकी 8 लाख रुपया है, सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा। 8 लाख रुपया यानी 80,000 कमाने वाला, उसको 51,500 रुपये का फायदा होगा। सुनो यार, सांसद को बाजू, मैं आम आदमी की बात करूं, अब उसको 51,000 का मतलब हुआ 4,500 रुपया। अब जो आदमी 80,000 रुपया प्रति मास कमाता है, अगर उसको 4,500 मिले न मिले उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 5 लाख वाले को 20,000, और वो जो सबसे नीचे ये सब बैठे हैं, ये जो मेरे साथी सहयोगी 12,000, 15,000, 16,000, इसको प्लीज मेरी प्रार्थना है कि इसको आप गंभीरता से लीजिए, एक विषय गंभीरता से मैं रखना चाहता हूँ, एमपी को मत जोड़िए इसमें, करोड़ों 90 करोड़ लोग हैं जिनकी स्थिति आज दयनीय है,
उनको आपने सबसे ज्यादा सबसे कम फायदा करवाया। चाणक्य का कहना यह है कि पैसे वालों से ज्यादा लो और गरीब को ज्यादा दो और गरीब से ज्यादा मत लो। 1,60,000 से 3 लाख वाले हजारों 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 सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, छोटे छोटे कॉरपोरेशन में काम करने वाले कर्मचारी जिसकी 15,000-16,000 तनख्वाह है, ये 1,60,000 से 3 लाख में कोई फायदा नहीं। आम आदमी इसमें आता है, 5 लाख वाले को मैं आम आदमी नहीं कहता, जिसकी महीने की तनख्वाह 50,000 है वो आम आदमी नहीं है, मेरी पार्टी उसको आम आदमी नहीं मानती है। 8 लाख कमाने वाले को आम आदमी नहीं मानती। मैं आपसे जानना करबद्ध प्रार्थना करके उपाध्यक्ष महोदय आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए 3,80,000 जो टैक्स पेयर है उसमें से 8 लाख से ऊपर कमाने वाले कितने हैं टैक्स भरने? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पिलर है, प्लीज ये बार बार आप क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हैं? मत बोलो एमपी, 90 करोड़ की बात करते हैं, बढ़ाएगी तनख्वाह बढ़ानी तो आप प्रपोजल रखिए। ये जो हमारे मध्यम गरीब वर्ग के लोग, सामान्य नागरिक, छोटे कर्मचारी, उसे कोई फायदा नहीं। 1,60,000 से 3 में कोई फायदा, 3 से 5 में फायदा, वो भी 5,80,000 से कम फायदा। मेरी ज्यादा समय नहीं लूंगा, करबद्ध यही प्रार्थना है, मेरा अनुभव है, आप भी पूछोगे सोचोगे, आईएएस और ये वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के पंजे से निकलोगे और आम आदमी की बात सोचोगे तो आपको भी पता लगेगा कि हमें ज्यादा रियायतें, ज्यादा राहत देनी चाहिए उस छोटे आदमी को, कि जिस आदमी को इसकी जरूरत है। आप लिमिट बढ़ा दीजिए अपनी बात को, इसको ज्यादा न खींचते हुए लिमिट बढ़ा दीजिए। लिमिट बढ़ जाएगी तो ये जो छोटे छोटे हैं अब वो पैसे वाले में भी नहीं गिने जाते, मध्यम वर्ग में भी नहीं गिने जाते। 16,000 है, मेरे वहां काम करता है 15-16,000 गुजरात भवन में उसकी 15,000 है, वो 3,60,000 से 3 लाख के बीच आ गया। 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा उनका ठीक तरह से नहीं है, दवाई करनी है, स्कूल भेजना है, अब उसको 10% तो देना पड़ेगा, 10%। मेरी यही प्रार्थना है, कृपया गंभीरता पूर्वक सभी सदन के साथी मेरे सहमत होंगे कांग्रेस के भी, इस पिलर को आप उल्टा कर दीजिए, यही एक सॉल्यूशन है। पैसे वालों को अगर 4,500 के बदले 500 टैक्स भरना पड़े, फायदा होगा तो चलेगा, टैक्स बढ़ेंगे, मगर जो गरीब है बिल्कुल, उसे 1,000-1,200 के बदले उसे ज्यादा टैक्स में रियायतें दीजिए। सीनियर सिटीजन भूल गए, वृद्धाश्रम खुलते जा रहे, बहने भूल गए, वही 190, वही 240 सीनियर सिटीजन, क्या महंगाई उसको नहीं लगती, महंगाई उसको असर नहीं करती? हम सीनियर सिटीजन के ऊपर तो पूरी अमेरिका की सरकार बनती है, वरिष्ठ नागरिक के लिए। बहनों पर तो हम यहां संसद में इतना बड़ा बात करके बैठे हैं, वो छूट गए। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आम आदमी को देखते हुए, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, सीनियर सिटीजन्स आज जो स्थिति समाज की बनी है, हमारे लालू जी, मुलायम जी वगैरह, यादव जी कहते हैं, सही कहते हैं, हमारी पार्टी भी कहती है, आज जो पश्चिमीय अनुकरण देश में आया उसके कारण संयुक्त परिवार टूटते जाते हैं। एक अखबार है, मैं पढ़ता हूँ रोज सभी अखबार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए संस्थाएं बनने जा रही हैं, बच्चे निकाल देते उन्हें घर से। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि